तो गरीब साइंटिस्ट हम सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इस बजट के बारे में। मैंने ग्राफ्स वाफ्स बनाए आपको दिखाने के लिए। इसरो के बजट या स्पेस के बजट की बात करने से पहले एक बार जनरल साइंस के बजट को देख लेते हैं। तो इनका थोड़ा बहुत गड़बड़ी हुआ बोल सकते हो आप, गड़बड़ी नहीं सैड चीज बोल सकते हो। तो DST यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्हें 2020 में मिला था प्रोमिस्ड बजट 6300। उसके बाद हर बार जो प्रोमिस होता है वो मिलता नहीं है, बजट आपका रिवाइज होता है। तो वो कोविड वोविड आया, इनका बजट कम कर दिया गया 5000 करोड़ को, और अभी इस साल इन्हें मिल रहा है 6067 करोड़ समथिंग। तो इनका लास्ट ईयर से कम हुआ, पर एक ब्राइट साइड भी है। अब जब साइंस की बात करते हैं, हमें DBT की भी बात करनी चाहिए, यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इनका बजट 2020 में 2800 अप्रोक्सीमेटली था प्रोमिस्ड, कम किया गया 2300, एंड इस बार इन्हें 3500 मिल रहा है, जो बहुत ज्यादा है राइज अगर आप कंपेयर करो पिछले सालों से। तो ये इंटरेस्टिंग, और जनरल साइंस के काफी मेंशंस हुए, जैसे डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन, डीप ओशन एक्सप्लोरेशन मिशन सॉरी, तो वो एक इंटरेस्टिंग था। पर मेरा फेवरेट जो मुझे रिसेंटली पता चला वो था कि NRF यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को 50,000 करोड़ अलोकेट किए जाएंगे फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ये रिसर्च फंड करता है थ्रू आउट द कंट्री, करेगा भी, तो ये जो प्रपोजल है एलोकेट करने का 50,000 करोड़, ये बहुत हेल्प कर सकता है, काफी बड़ी चीज होगी ये, तो ये मस्त है। अभी आते हैं स्पेस के ऊपर। तो स्पेस के काफी मेंशंस हुए, सबसे पहले तो चंद्रयान 3 करके, कि ना ये साल चंद्रयान 3 का होगा करके मेंशन हुआ था। फिर एक पॉइंट आया जहां पे PSLV C-51 का मेंशन हुआ कि वो प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च करेगा। फिर अपना ये मेंशन हुआ कि गगनयान का अनक्रूड मिशन, अनक्रूड मतलब जिसमें इंसान नहीं होगा, जीवन मिशन, वो दिसंबर में करने की प्लानिंग है, December 2021 इस साल के। और मेरे को उसके साथ बहुत डाउट्स है, क्योंकि देखो ये दोनों मिशंस GSLV Mark 3 के लिए प्लान है, राइट? और प्रॉब्लम ये है कि ये बस सेकेंड लॉन्च पैड से लॉन्च हो सकता है SLP। प्रॉब्लम ये है कि जब ये रॉकेट्स लॉन्च होते हैं तो एक दो लॉन्चेस के बीच 1 महीने से 1.5 महीने का डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि जब लॉन्च होता है उसके बाद में रिफर्बिश करना पड़ता है आपको, लॉन्च पैड को रिपेयर करना पड़ता है जो भी है। तो और जनरल रूल, अगर आप पहली बार उस चैनल पे आ रहे हो, अगर कुछ प्रॉमिस होता है कि इसरो दिसंबर में करेगा तो वो यूजुअली January-February अगले साल के इसमें चले जाते हैं फर्स्ट क्वार्टर में। प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है कि वो नेशनल लेवल पे मेंशन हो रहा है और उसे नेशनल प्रायोरिटी मिल रही है, तो वो अच्छी बात है। अभी आते हैं बजट के ऊपर, जिसके लिए आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया, इसरो के बजट के ऊपर। अभी ये रहता हो आपके सामने ग्राफ, अब ज्यादा कंफ्यूज मत हो। ग्राफ पहले आपको ये ग्राफ रख रहा हूं आपके सामने, आपको इस साल के नंबर्स बताता हूं। इस साल इसरो को मिले 13,949 करोड़, ऑलमोस्ट 14,000 करोड़, पर आप देख सकते हो उस ग्राफ में एक डिप है ब्लू कलर का लाइन। तो जैसे मैंने पहले कहा, दो बजट मतलब पहले आपको एक प्रॉमिस किया जाता है, फिर आपका मिड ईयर जो है वो एक रिव्यू होता है खर्चे का वगैरह, और फिर उसे रिवाइज किया जाता है। तो पिछले कुछ सालों से रिवाइज बजट हमेशा ज्यादा रहा है, मतलब ज्यादा मिलते जा रहा है प्रॉमिस से। पिछले साल क्या हुआ, 13,400 करोड़ अप्रोक्सीमेटली प्रॉमिस किए गए थे 2020 में, पर फिर वो कोविड का वगैरह सीन हुआ, इसरो ने ज्यादा लॉन्चेस भी नहीं किए, और इसरो का रिवाइज बजट हुआ 9,000 करोड़। तो हम पीछे चले गए 2017 के लेवल्स में पिछले साल का, और अभी इस साल वापस प्रॉमिस किया गया कि 14,000 करोड़ जो भी है, 500-600 करोड़ का इंक्रीज है बजट में कंपेयर टू लास्ट ईयर प्रॉमिस। तो ज्यादा बड़ा इंक्रीज नहीं है इसरो के बजट में, और ये ग्राफ आपको श्योरली इंटरेस्टिंग लगता होगा। एनीवेज वो कोविड एरा जो भी है वो एक धब्बा बन के रहेगा। अभी हम बात करेंगे आउटकम्स के ऊपर, कि एक आउटकम डॉक्यूमेंट भी रिलीज हुआ कि एग्जैक्टली क्या आउटकम्स आने चाहिए इससे। तो सबसे पहले तो गगनयान के बारे में एक टेस्ट व्हीकल, अभी टेस्ट व्हीकल एग्जैक्टली क्या है हमें पता नहीं, मे बी वो अपना मेन मार्क 3 वाला व्हीकल हो सकता है, या इन फ्लाइट अबाउट या पैड अबाउट टेस्ट के लिए कोई हो सकता है। फिर आप देख सकते हो डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट्स, एक दो अर्थ ऑब्जर्वेशन और एक नेविगेशन सैटेलाइट है वो ठीक है। यहाँ रॉकेट्स पे दो PSLV दिखा रहा है और एक GSLV Mark 2, और नीचे Mark 3 0 दिखा रहा है। तो पूरा कंफ्यूजन है, क्योंकि चंद्रयान 3 को एक लगेगा अपने, जीवन यानी गगनयान को एक रॉकेट लगेगा Mark 3, तो कैसे होगा ये? या लास्ट ईयर के बजट से वो पैसे मतलब तभी मैन्युफैक्चर कर दिया था नेक्स्ट Mark 3, वैसे तो वो कंफ्यूजन है। ये एक अच्छी चीज़ है, दो SSLV launches दिस ईयर, जो बहुत अच्छी बात है।
D1 और D2 जैसे मैंने कहा था। अगर आपको देखना है तो आई बटन में मेरा SSLV वाला वीडियो हो जाएगा। तो बस ये है और नीचे ये सैटेलाइट्स का वगैरह है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग। आई होप ये साल अच्छा जाए और अगले साल इसरो की फंडिंग और बढ़े, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 1.8-1.9 बिलियन डॉलर्स होता है, जो अगर आप ग्लोबली देखो तो बहुत कम है इसरो को जो मिल रहा है। नासा का 26-27 बिलियन 24 बिलियन जो भी है, तो आई होप ये बढ़े, एटलीस्ट डबल हो जाए, देखते क्या होता है। ज्ञान की गरीबी सबसे बड़ी। जय हिंद जय भारत। आपका ओपिनियन जरूर दो मेरे को कमेंट्स में, क्या लगता है आपको।